यादव नमस्ते सत्रकाल, वेलकम टू माय चैनल क्लियर क्रिएशन। हमारे यू फ्रेंड्स ऑल गुड आई थिंक सो। आज मैं जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है तेलंगाना स्टाइल में बनाने का रेसिपी है ये, और बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको पचपुलसू बोलते, पचपुलसू का मतलब रॉ जो भी इन्ग्रीडियंट्स अपन इसमें यूज़ करते वो रॉ यूज़ करते, और बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। इसको अपन चावल के साथ खा सकते। ఈరోజు నేను చూపించబోయేది పచ్చిపులుసు రసం అండి. ఇది తెలంగాణ స్టైల్లో చూస్తున్నాను నేను. చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా అవుతుంది. ఓన్లీ 10 మినిట్స్లో అయిపోయేది. ఇందులో యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ రాగా యూజ్ చేస్తే మనం ఏవి కుక్ చేయమండి. చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీ కూడా. ఒకవేళ నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై వీడియో. ఈరోజు నేను చూపించబోయేది పచ్చిపులుసు అండి. ఇది తెలంగాణలో ఆంధ్ర ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఇది చింతపండుతో తయారవుతుంది, చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వెరైటీగా చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని. మనము చింతపండుని ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తడిపి పెట్టుకోవాలా. దాని తర్వాత దాన్ని గుజ్జు తీయాలా. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లమిల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరుక్కోవాలా, కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర ఎక్కువ తీసుకోవాలండి, ఒక కట్ట కట్టన్నర తీసుకున్నాను, ఉల్లిపాయలు రప్పుడు చాపుడు, కొత్తిమీర, ఇంకా కారము, ఉప్పు అండి. ये जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ ये है तेलंगाना का रेसिपी है ये. उसको पचपुलसु बोलते. ये आंध्र तेलंगाना में ज़्यादातर बनता, लेकिन अलग अलग वेराइटीज़ में बनाते सब लोग अलग अपने अपने तरीके से. लेकिन जो तेलंगाना में बनता वो मैं बता रही हूँ. और इसको कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा कच्चा ही रहता. सिर्फ इसको बघारते, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते. ना प्याज, ना हरी मिर्ची, कुछ भी इसमें पकाने का नहीं है. सब रॉ डालने का रहता. पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे. इमली लेना है, उसको एक आधा घंटा पहले भिगा के रख लेना है और उसका जूस निकाल लेना है. और फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए. और हरी मिर्ची बारीक काट के रख लेना है. थोड़ा सा पुदीना लेना है, कुतमीर ज़्यादा रहना है, 1½ कट्टा लीजिए आप. और प्याज रफली चॉप्ड कर लीजिए, और मिर्ची और नमक. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. अभी नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताते रहूँगी. देखिए अभी मैं इमली का पानी निकाल के रख ली मैं. అవి ఇంకా ఆగే ప్రొసీజర్ మే బతాంగి. ఇప్పుడు చింతపండును గుజ్జు తీసుకొని పెట్టుకున్నాం కదండి. ఇంకా దాదాపు దాని ముందు ఈ ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను నేను. అవి ఇంకా కర్నాయ్ ఈ బాజు మీ రఖ లీజియే. అవి జో భీ ఇంగ్రీడియంట్స్ హే వో అపన్ ఇస్మే డాల్ లేంగే. కొత్తిమీర తోడా, కొత్తిమీర బాజు మీ రఖ లీజియే. బాకీ కా పూరా ఇస్మే డాల్ దీజియే. ఈ పూరా కచ్చాయి కర్నాయ్ అప్నే కో. इसमें हमें एक 1½ स्पून मिर्ची डाल लीजिए, और एक ये नमक तो आप अपने स्वादानुसार लीजिए. ఇవన్నీ పచ్చి అన్నీ ఒక దగ్గర గిన్నెలో వేసిన తర్వాత అన్నీ దాంట్లో ఒక 1½ స్పూన్ కారం వేయండి. దాని తర్వాత ఉప్పు ఒక మీకు తగినంత వేసుకోండి. ఉప్పు అవి క్యా కర్నాయి ఇసుకో అచ్చేసే స్మాష్ కర్నాయి. ఈ పూరే ఇంగ్రీడియంట్స్కు సిర్ఫ్ హాత్సే మసల్నా ఏసా క్యూకి ప్యాజ్ భీ ఖుల్నా హే అవి అచ్చేసే. ఆర్ ఇస్కే జో భీ అపన్ డాలే నా ఉస్కే పూరే జ్యూస్ నికల్తా అవి ఇస్మే. అచ్చేసే మసల్ లేనా ఇస్కో. देखिए अब इसके बाद हमें इसमें पानी, इमली का पानी डाल लेना है. देखिए कैसा लग रहा है, पूरा अच्छे से मसल गया ना. अभी इसमें हमें इमली का पानी डालना है. अगर आपको गाढ़ा लग रहा तो और पानी इसमें मिक्स कर दीजिए आप. और इसको अच्छे से मिला लीजिए. अब मिर्ची नमक को पूरे एक बार टेस्ट कर लीजिए. मेरे हिसाब से तो सब ठीक है. अब इसके बाद अब मैं इसको और क्या डालना है वो मैं बताऊंगी. अब इसमें अगर आपके चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच तिल का पाउडर डालिए. बारीक ने रफ रहता ना, चाहे तिल का पाउडर रफ बना के रख लेना, वो डाल लीजिए. इससे और टेस्टी बनता है ये जो पचपुलसु है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है. इसके बाद हमें थोड़ा सा शुगर डालना है, 1½ छोटा चम्मच शुगर. क्योंकि इमली है ना खट्टा है, ज़्यादातर लोग नहीं खा सकते इसीलिए. अब
अभी इसको अच्छे से मिला लीजिए एक दो मिनट के लिए। ये जो तिल और शक्कर डाले ना वो अच्छे से मिलना है इसमें। अभी हम मैं बघारने का प्रोसीजर बताऊंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब डालने के बाद। अपन इसमें से किसी चीज़ को भी पकाए नहीं, हम सिर्फ रॉ डाले हैं अपन। आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो बघार के भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी खाते, मैं तो बघार के भी दिखाऊंगी आपको कैसा बघारना है, क्या क्या चाहिए उसको। चाला मैं चूड़ी पर पच्ची पुलिस चूड़ी इंत बनपड़ा कलरफुल्गा ये तिल नुगल पड़ी अवी वैसे चला बनपड़ी दी इलागे तीनों लेदे दी बघारी तीनों पोपेको तीन इधी इष्टी आपकी मर्जी है, आप कैसा भी खा सकते। ఇందులో మనం ఏది ఉడకబెట్టలేదండి, అన్నీ రానే ఉన్నాయి చూడండి. బగారనికి జోజో చాయే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓమే బతారియం, తేల్, రాయ్ జీరా ఆర్ లాల్ మిర్చ్ ఆర్ కరేపాక్ చాయే థోడాసా, కరేపాక్ కంపల్సరీ ఇస్మే, కరేపాక్ భీ లేనా హై ఆర్ యే కొత్తిమీర అపన్ ఊపర్ సే డాలెంగే. ఓకే అభీ మే బగారనే కే లియే బతాఉంగీ ప్రొసీజర్ ఆప్కో. తేల్ డాలియే ఏక్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆప్ తేల్ డాలీజియే. इसको अच्छे से गरम होने दीजिए. वन वन अंड हाफ स्पून अंत नून वेयी वेड़े बनी है. तेल अपना अच्छे से गरम हो गया, अब एकदम से छोटा कर दीजिए आप. इनको कुछ भी जलना नहीं चाहिए बगारा, नून वेड़े बगाने सिम जैसे सारी एंकंटे माड़ नहीं पोप असल. अभी हम राई जीजर डाल देंगे इसमें. बघारने में तेल थोड़ा अच्छे से डालिए आप. अब इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, बघारा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, असल पोप माड़कूड़ी. अब इसमें से थोड़ा सा हल्दी डालिए इसमें और करवेपाक करवेपाक भी अच्छे से ही हो गया. अभी अभी हम इसको पच्ची पुलिस में डाल देंगे. गैस बंद कर दीजिए, अभी इसको अच्छे से हिला लीजिए. अभी कितना मस्त लग रहा है, मुँह में पानी आ जा रहा है, इतना अच्छा बन गया है. और ये बहुत ही टेस्टी बनता, अपन इसको सिर्फ चावल के साथ खा सकते या नहीं तो उपमा के साथ भी खा सकते. बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आप ये उपमा के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी रहेगा. और ये 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी पकाने का नहीं है, सिर्फ अपन बघार के डालने का ही है, बाकी पूरा रॉ है ये. आप गरम गरम चावल के साथ खा सकते, पापड़ या सब्जी लगा के भी खा सकते, या सिर्फ ऐसा भी खा सकते हैं. बहुत ही अच्छा रहेगा ये. अब मैं कोथमीर डाल रही हूँ ऊपर से, फिर थोड़ा सा कच्चा. ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा बनता और बहुत ही जल्दी बनता. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.